बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोग? ठीक है, खैरियत से? राव फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो दोस्तों। जिस वक्त के पुरानी फ्रेश अपडेट्स हैं ओमान के कोरोना वायरस के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से पिछले 24 घंटों के केसेस बताए गए हैं और इसकी पूरी तफसीलात क्या है आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान ओमान के अंदर 5 नए मामले आए हैं कोरोना वायरस के, और अब इन 5 न्यू केसेस की वजह से आप लोग देख सकते हैं 3,04,519 पर्सन्स को हो गया कोरोना वायरस। इसके अंदर 13 मजीद रिकवरीज भी हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं 2,99,951 पर्सन की ओमान के अंदर रिकवरी हो गई है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान किसी पर्सन की डेथ नहीं हुई। सेम डेथ से आप लोग देख सकते हैं 4,113 पर्सन की ओमान के अंदर डेथ हो चुकी है। 7 मरीज ऐसे हैं जो कि ओमान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोई मरीज हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ और 2 मरीज ऐसे हैं जो कि ICU में दाखिल हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो केसेस की तादाद सल्तनत के अंदर थमी हुई है, अमवात बिल्कुल सिफर हो चुकी है। लेकिन अभी भी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से हदायात ऑफिशियल तौर पर वो यही है, मास्क, सोशल डिस्टेंस और गैदरिंग इन तमाम चीज़ों के ऊपर अभी भी वर्क करके नक रंग, ताकि जो केसेस की तादाद सल्तनत के अंदर बिल्कुल सिफर हो जाए। अपने आप को इस वायरस से बचाएं और दूसरों को ये वायरस होने से बचाएं। तो ये तमाम इस वक्त की अपडेट्स थी, और इंशाल्लाह जैसे और भी न्यू अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। राव फजल अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।